अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पाकिस्तान में एक नया फ़ोन शाओमी बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है जो कैमरा के लिए काफ़ी तगड़ा होगा। तो आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करूंगा, ये शाओमी सीवी नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो ये ही हो सकता है फ़ोन पाकिस्तान में बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाए। ओवरऑल ये फ़ोन कैसा है, अगर आपको हाई मिड रेंज के अंदर कोई ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें कैमरे डिस्प्ले सभी कुछ ठीक हो और फ़ोन स्लिम भी हो, तो इस वाले फ़ोन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तबाही किस्म का फ़ोन है। 5G वाला इसमें चिपसेट है और गैलेक्सी A52 S वाला फोन पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ है ऑलमोस्ट 80,000 जिसकी प्राइस है, तो उसकी जगह भी ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये वाला फोन पाकिस्तान में 50,000 से 60,000 की रेंज में आ सकता है। तो ये 7mm थिकनेस पे है। वीवो जितने भी फोन दे रहा है अभी के टाइम, उन सभी फोन से ये ज्यादा स्लिम है और लाइट वेट भी है। 166 ग्राम इस वाले फोन का वेट है। ये नहीं है फोन स्लिम है तो बाकी के फीचर में कंप्रोमाइज मिलता है, इधर कैमरे डिस्प्ले सभी कुछ आपको अच्छा मिल जाता है। OLED वाला इसमें डिस्प्ले है जो कि HDR10+ की सपोर्ट के साथ आता है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ है और काफी ज्यादा ब्राइट है, 950 निट्स तक इसमें ब्राइटनेस कर सकते हैं। और इसमें फ्लैगशिप किस्म के फीचर आपको मिल जाते हैं, डॉल्बी विजन को ये सपोर्ट करता है। 6.5 इंच का ये डिस्प्ले है 1080p रेजोल्यूशन वाला। एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है MIUI 12.5 के साथ और परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही तगड़ी किस्म की आपको मिलेगी। तो इसमें स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट है जो कि 5G है 6nm टेक्नोलॉजी वाला, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोसेसर है। और इसके अलावा गेमिंग आपने नहीं भी करनी तो परफॉर्मेंस डे टू डे यूज में बहुत ही फास्ट फोन आपको लगेगा, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर है जो कि डेफिनेटली Xiaomi सबसे कम प्राइस में आपको अच्छे चिपसेट देता है। तो ये भी इसी तरह की प्राइस के साथ आएगा, काफ़ी अफोर्डेबल होगी जिस रेंज में ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला इसमें बेस वेरिएंट है। LPDDR4X वाली इसमें रैम मिलती है। 3 कैमरे बैक पे हैं इसके। 64MP का मेन कैमरा है, साथ में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2MP का मैक्रो सेंसर है। 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे। और इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जिससे 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो ये वाले कैमरा फीचर भी ठीक ठाक हैं जिनसे पता लगता है हो सकता है ये फोन 50,000 तक भी Xiaomi पाकिस्तान में ले आए। डुअल स्टीरियो स्पीकर इसमें मिल जाता है, साउंड वाइज अच्छा खासा फोन है। वाईफाई 6 है इसमें, ब्लूटूथ 5.2 वाला है, टाइप सी वाला चार्जर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर लगाया गया है और जायरोस्कोप हार्डवेयरली इसमें मिल जाता है। बाकी के जरूरी सेंसर भी सभी हैं। 4500mAh की बैटरी मिलती है, तो जो वीवो थोड़ा स्लिम फोन दे देता है और बैटरी को इतना कम कर देता है, यानी कि 4000mAh तक बैटरी देता है, तो इधर वो सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है Xiaomi। तो वीवो के फोन से ज्यादा स्लिम है, 7nm थिकनेस पे है और बैटरी इसमें 4500mAh की मिलती है, काफी ठीक है जो के। और साथ में 55W का फास्ट चार्जर है जो कि 100% बैटरी सिर्फ 45 मिनट के अंदर कर देगा। तो ओवरऑल काफी ये तगड़ा किस्म का फोन है, अगर ये 60,000 तक भी पाकिस्तान में आता है तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको देखने को अच्छा फोन चाहिए तो हो सकता है Xiaomi ये 1-2 दिन के अंदर ही इसे लॉन्च कर दे, क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे तो टीज करना स्टार्ट कर चुका है Xiaomi। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।